गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का EVS, और जो कि हमको करना था, हमने चैप्टर 5 को रीड कर लिया था प्रीवियस क्लास में, तो आज हम लोग को उसका एक्सरसाइज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड चेरी हैव मेनी सीड्स, वन सीड्स या फ्यू सीड्स। यहाँ पर लिखेंगे वन सीड्स, ठीक है। फर्न्स एंड मशरूम रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्पोर्स, सीड्स या रूट्स। इसका आंसर है स्पोर्स, ठीक है। ए प्लांट दैट ग्रो थ्रू स्टेम कटिंग इज कैरेट, रोज या बीटरूट। इसका आंसर है रोज, ठीक है। ए प्लांट हूज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड इज मैंगो, कैल्ट्रॉप या कॉटन। इसका आंसर है कॉटन। सो प्लांट हूज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, मैंगो, कैल्ट्रॉप या कॉटन। इसका आंसर है कॉटन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे। फ्रूट्स लाइक गुआवा एंड पपाया हैव मेनी सीड्स। तो फर्स्ट फिल करेंगे गुआवा, फिर एंड के बाद फिल करेंगे पपाया, ठीक है। ए स्ट्रक्चर विच पुशेज इट्स वे अप थ्रू द सॉइल टू रीच द लाइट इज कॉल्ड प्लेम्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे प्लेम्यूल। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। प्लांट्स लाइक पी, मस्टर्ड एंड बालसम स्टोर देयर सीड्स इन पॉड्स। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे पॉड्स। टी प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड फ्रॉम सीड्स और बाय कटिंग। ये हमारा एक्सरसाइज हो गया, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोग कॉपी लेंगे, अपना क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। इसका आंसर लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ अ सीड डेवलपिंग इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ओके। नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे एयर वार्म्थ एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर दी जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव एग्जाम्पल्स। आंसर लिखेंगे सम प्लांट्स प्रोपेगेट थ्रू leaves, roots or stems. This process is called vegetative propagation. Vegetative propagation. Example carrot, radish,
sweet potato, etc. Question number 3. What are the special features of seeds dispersed by wind? इसका आंसर करेंगे, आंसर लिखेंगे, दीज टाइप ऑफ सीड्स आर वेरी वेरी लाइट एंड स्मॉल एंड कैन move in the wind. Seeds dispersed by wind have tufts or wings. Question number 4. List the various agents of dispersal. इसका आंसर लिखेंगे, various agents of dispersal are wind, water and animals. Question number 5. In India, in which state is tea cultivated? Answer karenge, in India, tea is cultivated in the northeast, Assam, bordering Burma and China. Tea is also cultivated in southern parts of India, especially in वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया. इसे आप लोग अपने कॉपी में कर लेंगे. और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड. इस डायग्राम को आप अपने कॉपी के ब्लैंक पेज पे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, और कुछ ये फिगर ड्रॉ करना है आप लोगों को. ये स्टेजेस इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, यही फिगर आप लोग को आपके कॉपी के किसी भी क्वेश्चन के आगे ब्लैंक पेज पे ये फिगर आप लोग को ड्रॉ करना है. ठीक है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. ओके.